हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स विद बनी बैक टेक इन न्यू वीडियो। ओके सो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नाइल नेचुरल शैम्पू का, जो कि स्पेशली दावा करता है एंटी हेयर फॉल कैटेगरी का शैम्पू है। सो गाइस, सबसे पहले मैं इसको ओवरऑल पैकेजिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि 90 ml का पैक है और यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन किया हुआ है, इसका प्राइस है 44 rupees। और जैसे कि आपको पता है, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसके एक्सपायरी डेट जरूर देख के लेना। गाइस, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, जो कि 90 ml का प्राइस ऑलमोस्ट 50 rupees के आसपास है, तो मुझे लगता है हर किसी के लिए अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली भी। लेकिन गाइस, हर प्रोडक्ट का एक मेन टॉपिक होता है, वो है इंग्रेडिएंट्स। ब्रांड ने यहाँ पे सीधा सीधा मार्केटिंग के लिए क्लेम कर दिया है कि पैराबिन फ्री है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है इंग्रेडिएंट्स के अंदर सल्फेट है, सोडियम है, और इसमें काफी सारा ऐसे एसिड कैटेगरी का इंग्रेडिएंट्स है जो स्कैल्प के लिए और हेयर के लिए काफी हार्मफुल है, और डैमेज कैटेगरी का इंग्रेडिएंट्स है, जो कि हाईली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी है जो कि हेयर के लिए और स्कैल्प के लिए काफी अच्छा है, जैसे कि नारियल, कोकोनट एंड बादाम और आंवला। तो स्पेशली कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे है जो कि स्कैल्प के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादातर जो इंग्रेडिएंट्स की मात्रा है वो केमिकली है और स्कैल्प के लिए काफी हार्मफुल है। लॉन्ग टाइम यूजेस पे अगर इस प्रोडक्ट को आप ले रहे हो तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जब दावा करते एंटी हेयर, क्या सच में ये प्रोडक्ट, ये जो शैम्पू है, दावा करते हैं हेयर फॉल को स्टॉप करता है, क्या सच में स्टॉप करता है? गाइस, इस प्रोडक्ट को जिसने पर्सनल यूज पे लिया है, वो हमारा एरिया का ही बंदा है और ये काफी टाइम से यूज कर रहा है, और वो उसका मम्मी का शैम्पू है तो वो भी यूज करता है, तो उसी ने हमको ये प्रोडक्ट ला के दिया है। और ये हमने अपने पैसे से नहीं खरीदा है, उसका घर का प्रोडक्ट है तो उसने ला के दिया है, तो हमने सोचा रिव्यू कर दिया जाए, और वो हमारे काफी टाइम से हेल्प कर रहा है हमारे चैनल की। तो गाइस, इसीलिए हमने इसका रिव्यू कर रहे हैं, और मैं अभी मतलब अभी रिव्यू करने से पहले इस प्रोडक्ट को एक बार ट्राई किया, तो मेरा जो ऑयली स्कैल्प है तो स्मूथनेस के मामले में ठीक ठाक था एक शैम्पू के कैटेगरी में। और इस शैम्पू का खुशबू मुझे ऐसा लगता है जैसे कि डाप शैम्पू या हेड एंड शोल्डर शैम्पू, उस टाइप का शैम्पू का खुशबू लगता है, और हेयर जो है वो स्मूथ रहता है, काफी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप इस शैम्पू को लॉन्ग टाइम यूजेस पे लेने की सोच रहे हो तो गाइज, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस पे काफी सारा केमिकल है। सिर्फ पैराबिन फ्री होने से कुछ नहीं होता, सल्फेट है जो कि आपके स्कैल्प को काफी मतलब भारी मात्रा में डैमेज करेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम में एक बार ट्राई करना चाहते हो, लो प्राइस में, लो कैटेगरी में, कॉस्मेटिक्स कैटेगरी में आपके लिए चलता है, कुछ केमिकल आपके लिए एक्सेप्टेबल है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन हाईली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और ये दावा करते एंटी हेयर फॉल, बिल्कुल भी हेयर फॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, स्कैल्प की जो डट है उससे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करता है, और ओवरऑल एक स्मूथनेस रहता है। स्कैल्प अगर ड्राई हो, आप फिर भी ड्राई स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हो, आपको ऐसा ड्राइनेस नहीं फील होगा जैसे कि आप दूसरे शैम्पू यूज करके फील होता है। और हमेशा अगर आप शैम्पू ले रहे हो तो आपके स्कैल्प टाइप के हिसाब से यूज करो। और ये जो शैम्पू है ऑल स्कैल्प वालों के लिए है, ऑयली नॉर्मल कॉम्बिनेशन किसी भी स्कैल्प वाले से यूज कर सकते हैं, आराम से सूट करेगा, मैं इतना दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि हमने सारे स्कैल्प पे ट्राई किया है तो हम पे सब अच्छा दिखा। लेकिन लॉन्ग टाइम पे किसी ने यूजर्स पे नहीं लिया, जिस बंदे का प्रोडक्ट है उसके अलावा, तो उसने ये बताया कि लो प्राइस में आती है इसीलिए वो लोग यूज करते हैं इसका बिग पैक। लेकिन ये शॉर्ट पैक है, छोटा सा पैक है जो कि हमारे लिए रिव्यू यूनिट है और हमको खरीद के उसने दिया है। थैंक्स कहता हूँ रवीन भाई को जिसने प्रोडक्ट हमें दिया है और पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। और अभी नहाने के टाइम मैंने भी यूज किया रिव्यू करने से पहले, मुझे ठीक लगा, एज कम्पेयर लगा ऐसे जैसे कि मैं हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज कर रहा हूँ, जैसे लगा मुझे डव शैम्पू यूज कर रहा हूँ। तो हाईली रिकमेंड नहीं करेगा गाइज, काफी सारा केमिकल के साथ आता है और सेफ नहीं है, और मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ नेचुरल चीजें। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्पेशली मेरी तरफ से रिकमेंड नहीं करूंगा। और 10 में से अगर मैं पॉइंट की बात करूं, मैं 10 में से इसे 3 दूंगा, बस 3। और इस वीडियो में जो भी बोला मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, और पर्सनल जो मेरा टीममेट्स जिसने ये प्रोडक्ट हमें दिया है उसका एक्सपीरियंस था, वही मैंने शेयर किया। और हम हमेशा अपने पैसे से खरीद के होनेस्ट रिव्यू शेयर करते हैं, जस्ट दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं, जस्ट मार्केट से प्रोडक्ट बाय करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं लेते, जस्ट ऐसे बोल देते अच्छा है, बुरा है या कुछ। सो गाइस, अगर आप ये प्रोडक्ट फिर भी बाय करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी बाय कर सकते हो। सो गाइज, यही था इसका छोटा सा रिव्यू, कैसा लगा आपको रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके सो गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।